एम एन से एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये देखो इस तरीके से, ओके, एंड देन दिस साउथ एंड से और एक लाइन यहां से ज्वाइन करो, ओके, दोनों लाइन एक प्रकार से म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करती है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में नीचे ड्रॉ करके दे रहा हूं, ओके, यहां से नॉर्थ एंड से एक सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ओके, एंड साउथ एंड से सीधी स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करो, दोनों लाइन जहां पे मिक्स होती है ये हो गया परपेंडिकुलर। अब एक्चुअली बार मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो किस प्रकार से, एक फोर्स इस तरीके से, दूसरा फोर्स इस तरीके से, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, यानी दिस टू फोर्सेस आर सेपरेटेड बाय दैट डिस्टेंस, ओके, इसी की वैल्यू यहां पे आपको फाइंड आउट करनी है, ओके, तो जब आप पूरा फॉर्मूले को समझ अगर गए तो फिर आप इसे लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स, दोनों में से कोई भी एक लिखो, दैट मीन्स स्मॉल एम इनटू कैपिटल बी क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायग्राम के हिसाब से अगर देखते हो तो ये साइड होती है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये साइड परपेंडिकुलर, दैट इज एन पी, कौन सी होने वाली है, एन पी, दिस इज द, लेकिन यहाँ पे आपको एन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, ठीक है, सो हियर टू फाइंड एन पी, इसको फाइंड आउट करना है एन पी को, तो कहां से, फ्रॉम फिगर, ओके, सो फ्रॉम फिगर, ओके, वी हैव द ट्रायंगल, कंसीडर अ ट्रायंगल, कौन सा, एन पी एस, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई देता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में वी हैव एंगल एन एस पी इज इक्वल टू थीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एन एस पी यहां पे कौन सा एंगल देता मिलता है, थीटा, ओके, तो आपको कौन सी साइड निकालनी है, ये साइड निकालनी है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करो, साइन या कॉस, आपको जिस फॉर्मूले में ये साइड प्रेजेंट रहेंगी उस वो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे, तो जनरली देखा जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके, तो यहाँ पे एन पी अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स एन एस, ओके, देयरफॉर एन पी इज इक्वल टू एन एस इंटू साइन थीटा, एन एस इंटू साइन थीटा, और एन एस मीन्स एन एस, ns means twice that is magnetic dipole, okay, तो इस तरीके से यहां पे np is equal to twice l sin theta मिलता है। Now substitute this value to here, okay, so after substituting we get torque is equal to small m capital V into twice l into sin theta, करेक्ट, ओके, अब थोड़ा इक्वेशन को रीअरेंज करो, ओके, बी को बाहर निकालो और इन ब्रैकेट स्मॉल एम इनटू ट्वाइस एल इनटू साइन थीटा, अब जो ब्रैकेट में लिखा है ये मेरे ख्याल से इक्वेशन वन में दिखाई दे रहा है आपको, ओके, स्मॉल एम इनटू ट्वाइस एल, स्मॉल एम इनटू ट्वाइस एल बिकम्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सो पुट अप करो, सो इट इज बी एम साइन थीटा, ओके, दिस इज अ टॉर्क, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज सिचुएटेड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इक्वेशन मैग्नीट्यूड फॉर्म में यहां पे मेंशन किया गया है, कौन से फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन अ मैग्नीट्यूड, बराबर है, बट अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में अगर मेंशन करते हो, ओके, ना इन अ वेक्टर फॉर्म, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो इस तरीके से उसे लिखना पड़ेगा आपको, ओके, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू, क्योंकि यहां साइन थीटा दिया है और बी एम बी मैग्नेटिक वेक्टर है, एम बी एक वेक्टर है, तो एक वेक्टर, दोनों दो वेक्टर की
मल्टीप्लिकेशन जिसमें साइन थीटा आता है, तो वह एक प्रकार से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपने टॉर्क मेंशन किया है और वेक्टर फॉर्म में भी आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, टॉर्क को मेंशन किया है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा गया, एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट, यहाँ पे आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। जनरली 3 मार्क्स के लिए यह पूछा जाता है, लेकिन 3 मार्क्स के लिए तभी यह क्वेश्चन पूछेंगे जब इसके साथ को स्पेशल केसेस भी डिस्कस करने के लिए बोले जाएंगे। स्पेशल केसेस आपको इक्वेशन फ्रॉम दैट इक्वेशन यहां से आपको कंसीडर करने हैं, टॉर्क इज इक्वल टू बी एम इनटू साइन थीटा। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो ओके आई एक्सप्लेन यू द स्पेशल केसेस, देयर आर ओनली द 2 पॉइंट्स। ओके, कितने पॉइंट्स है, सिर्फ उसके 2 ही पॉइंट्स यहाँ पे है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में अपन उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।